फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है डॉक्टर अमित दुबे। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे बार बार पूछते हैं कि सर गुटखा खाते हैं, गुटखा खाने से मुंह के अंदर जलन हो रही है और बहुत ज़्यादा जलन होती है। इतनी ज़्यादा जलन होती है कि मैं थोड़ा भी चीज़ें मगर हल्का सा भी तीखा चीज़ खा लूँ तो बहुत ज़्यादा जलन और दर्द मुँह में होने लगता है, तो ऐसे क्या किया जाए। तो उन पेशेंट के लिए आज एक ऐसी रामबाण दवा लेके हम आए हैं जिसको करके पेशेंट का जो मुंह के अंदर की जलन है बिल्कुल ठीक हो जाएगी और किसी भी प्रकार का मुंह के अंदर का जो दर्द होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको ज़रूरत होगी उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। तो जैसे तो आपको पता है कि ओरोसमिकस फाइब्रोसिस में आपके मुंह के अंदर पान तम्बाकू गुटखा खाने से मुंह छोटा हो जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। और वो दिक्कतें क्यों होती हैं, क्योंकि आप जो पान तम्बाकू गुटखा खाते हैं गुटखे में सुपारी की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके कारण आपके मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड डेवलप हो जाते हैं। ये तो आपको सब पता है, लेकिन फाइब्रोटिक बैंड डेवलप होने के बाद आपके मुंह के अंदर जो आपका एपिथेलियल लेयर होता है उसमें जलन होने लगती है वेसिकल फॉर्मेशन होने के कारण। तो जब जलन होने लगेगी तो आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको महसूस होगा फील। तो चलिए पहले बताते हैं कि आप घरेलू कौन से नुस्खे अपनाते हैं, उसके बाद जो दवा मैंने बताई है वो दवा हम बताएंगे कि कौन सी दवा यूज़ करना चाहिए। तो घरेलू नुस्खे में सबसे पहले आप तो ठंडा पानी पीना शुरू कीजिए और रोज़ सुबह एक गिलास या एक कप गुनगुना पानी या गर्म पानी पीजिए। उसके बाद दिन भर कई बार, और पानी भी पीने का तरीका ये नहीं है कि एक बार में पूरा गटगट गटगट करके पी गए। पानी को पीने का तरीका ये है कि आपको सिप सिप करके पानी पीना है। एक बार लीजिए, थोड़ा सा पी जाइए, फिर लीजिए, फिर पीजिए, एक एक घूट घूट करके पानी पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद मुँह के अंदर आप या तो शुद्ध गाय का देसी घी लगाइए, गाय का जो देसी घी होता है पुराना देसी घी मिले शुद्ध रहे वो लगाइए, या तो फिर आप इस मुंह के अंदर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं जो कि आपको या तो मेडिकल पे मिल जाएगा या तो फिर आपके आसपास में कोई भी नर्सरी होगी तो वहाँ से एलोवेरा का प्लांट खरीद लाइए। उसका जो पत्ते होते हैं तोड़ के उसका जो लासा वाला पार्ट होता है ना उसको लगाइए। टेस्ट तो उसका बहुत ज़्यादा कड़वा होगा लेकिन आपको फायदा भी उतना ही ज़्यादा वो करेगा। इसके बाद में मुँह के अंदर शहद भी लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं, ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। ये तो रहा आपका नॉर्मल घरेलू उपाय, लेकिन एक बहुत अच्छी ऐसी दवा है जिसको कुल्ला करके पी जाने से भी आपके मुंह के अंदर का जो इन्फेक्शन है, जो जलन है, बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। ऑसिमम सेंटम, ऑसिमम सेंटम एक ऐसी दवा होती है जो कि आपके मुंह के अंदर के जो जलन होती है उसको बिल्कुल ठीक करती है। ये आपके तुलसी के पौधे से निकाला गया एक्सट्रैक्ट होता है, तुलसी की पत्ती से, उसके बीज से, उसके फल से, उसके तना से और उसके जड़ से, ये सारे चीज़ों से मिल करके वो ऑसिमम सेंटम बनता है। और ऑसिमम सेंटम आपको आपके नज़दीकी दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाएगा, या तो फिर तुलसी का अर्ग लेके उसको पानी में मिला करके ले सकते हैं। लेकिन जब ऑसिमम सेंटम आपको मिल जाए तो बहुत ही बिल्कुल रामबाण दवा है। ऑसिमम सेंटम को लेकर के 15 से 20 बूंद कुल पानी में डाल करके, गुनगुने पानी में, आधे कप पानी में उसको कुल्ला कीजिए। कुल्ला करने के बाद आप उसको पी भी सकते हैं, उसको कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और वो बहुत ही अच्छी दवा है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। ऑसिमम सेंटम का यूज़ करके अपने मुंह की जलन को आप कम कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज में नए नए टॉपिक पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।